समूह के ईसाई मशीनरी द्वारा संचालित बाल गृह में NCPCR के छापामार कार्रवाई के बाद अवैध तरीके से रखे हुए बच्चों को आज बाल आयोग की टीम के द्वारा बच्चों के परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। अभी भाई आए हैं, क्योंकि माता पिता आए तो उनको अस्थायी सुपुर्दगी दी है। जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम उनको बच्चों को बुला दें। आगे की कार्रवाई जो NCPCR चाहेगा उसके साथ। तो सर, ये जो संस्था में बच्चे रह रहे थे वो किसकी अनुमति से रह रहे थे? वो किसी की अनुमति कोई ना ज्ञात हो कि मामला दमोह के जबलपुर नाका स्थित संचालित ईसाई मिशनरी के बाल गृह का है, जहां पर पूर्व में NCPCR के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो के लिए एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कहा गया था कि दमोह की मिड इंडिया क्रिश्चियन समिति यानी ईसाई मिशनरी के द्वारा जबलपुर नाका स्थित एक बाल गृह में करीब 17 से 18 बच्चों को रखा गया है। वहीं इन बच्चों के समग्र आईडी पर एक ही माता पिता का नाम लिखा हुआ था। सीबीएसई का प्रभार है हमारे लिए, इसलिए रेगुलर आना होता है। लेकिन आज जो है वो कोई संस्था में NCPCR ने कोई कार्रवाई की थी, तो वहाँ पे क्या है बच्चे जो थे इलीगल रह रहे थे शायद, और उसमें क्या है तो समग्र आईडी में एक ही माँ के नाम पे सभी बच्चे थे। समग्र आईडी जो है अभी उनके पेरेंट्स वगैरह आए थे। वहीं मामले की शिकायत के बाद मौके पर दमोह पहुंचे NCPCR के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने छापामार कार्रवाई करते हुए जांच की तो पता चला जिस ईसाई बाल गृह में बच्चों को रखा गया है उसका कोई पंजीयन नहीं। वहीं मामले में जानकारी देते हुए सागर CWC के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शुक्ला ने बताया कि बच्चों को उड़ीसा से आए उनके परिजनों को अस्थायी रूप से सुपुर्द किया है तथा मामले में जांच की जा रही है और जब भी बच्चों की जरूरत पड़ेगी दोबारा बुलाया जाएगा। स्वागत जिंदगी के लिए दमोह संवाददाता मनोज कुमार की एक रिपोर्ट। उनके माता पिता आए हैं, उनके भाई आए, उनके पिताजी नहीं है तो उनके भाई लोग आए हैं। ये संस्था उनकी कोई क्रिश्चियन मिशनरी की है तो उसमें रह रहे थे। बच्चे तो घर चले गए थे, कार्रवाई हुई थी उसी समय NCPCR ने जो कार्रवाई की थी उस समय बच्चे मिले नहीं थे। अभी बच्चों का पता चला है तो फिर उन्होंने बुलवाया है, तो उन बच्चों को हमने और उनके भाई आए हैं क्योंकि माता पिता आए तो उनको अस्थायी सुपुर्दगी दी है। जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम उनको बच्चों को बुला दें। आगे की कार्रवाई जो NCPCR चाहेगा उसके साथ। तो सर, ये जो संस्था में बच्चे रह रहे थे वो किसकी अनुमति से रह रहे थे? वो किसी की अनुमति कोई ना JBX को उनको मान्यता थी ना शिक्षा विभाग ने किसी ने नहीं दी थी। और वो बहुत मतलब पहली कक्षा से रह रहे बच्चे और उनके माता पिता ने छोड़ के गए थे यहाँ पे। तो सर, संस्था के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो NCPCR के निर्देशन का जो भी होगा तो उसके आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी तो हमने अस्थायी उनके लिए 7 बच्चे आए थे उनको। क्या नाम है सर? चंद्र प्रकाश शुक्ला।